क्या दिक्कत है? कैथिर ग्राम में बिना सूचना के प्रशासन बिजली काट दिया है। बिजली विभाग अपना तो काम करता नहीं है और पब्लिक को परेशान कर रहा है। 10 तारीख के रात में 7 बजे लाइन काट दिया गया, कोई सूचना नहीं है। हम लोग नल जल पर आधारित हैं, नल जल वाला पानी भी खत्म हो गया, हम लोग भूखे प्यासे मतलब हो रहा है काम, यहाँ आए हुए हैं। जय साहब, ये बदमाशी यहाँ का जय ही कहा सर, टोटल बदमाशी का ना 5000 रुपए लेकर कनेक्शन कर देता है। सुनील, और आप देख रहे हैं NBC 24, और इस वक्त मैं नवादा के हिसवा में हूँ। इस वक्त हिसवा पावर सब स्टेशन के पास बिजली आपूर्ति की मांग करके लेकर के ग्रामवासी आप पहुँचे हुए हैं, जहां बिजली 3 दिन से लापता नहीं दिया जा रहा है और यहां के नागरिक जो है परेशान है। आप बात करते हैं कुछ लोगों से जो पहुंचे हुए बिजली ऑफिस से, क्या नाम हुआ? पुरुषोत्तम कुमार सिंह। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? दिक्कत ये है कि हम लोग का 3 साल से रीडिंग बंद है, रीडिंग नहीं लिया जा रहा है। बिल तो हम लोग 50% दे रहे थे, 50% पेमेंट नहीं होता था। जब रीडिंग बंद हो गया तो हम बिल क्या दें, जीरो करके बिल बनाया जा रहा है। कौन से गांव के? कई ठीक है जी, एक बाय एक बिना सूचना के 10 तारीख के रात में 7-20 तारीख के रात में 7 बजे लाइन काट दिया गया, कोई सूचना नहीं है। हम लोग नल जल पर आधारित हैं, नल जल वाला पानी भी खत्म हो गया, हम लोग भूखे प्यासे मतलब हो रहा है काम, यहाँ आए हुए हैं। क्या मांग है आपकी? मांग है बिजली जितना जल्दी दे दें, ताकि हम लोग बाल बच्चों के साथ पानी लीजिए, हम बिल देंगे, बिल देने से हमको बिल देने के लिए पूरा काम तैयार है। क्या कहते हैं? कई लोग हैं यहाँ, देखिए हम बात करते हैं ग्रामीणों से। हमारे गांव में कुछ तो ऐसा किया है, हमारे गांव में मतलब कि जो बिजली बिल है एजेंट को लगा के तहसील लेता है, वो जमा नहीं करता है, उसके बाद फिर रीडिंग के लिए पहुंच रहा है, कंप्यूटर के लिए से भेजता है और सब पैसा ले जाता है, नहीं तो मतलब बिजली बिल भरा पड़ता है। हम लोग पदाधिकारी से, जो बिजली विभाग के पदाधिकारी है उनसे बात हुआ है, तो इतना तक के हम लोग बात किए हैं, हम लोग की सर जो हम लोग का जायज बिल है उसको हम लोग हरदम देने के लिए तैयार है। अब किसी आदमी पे 1,80,000 कर दिया, उसका 1,80,000 क्या उकाते हैं, और 2 साल में 1,80,000 उसका बिल है। इतना भी हम लोग कह रहे हैं कि जो जायज बिल हो है, अगर नहीं देने का सक्षम है जो आदमी, तो हम लोग 5 को 10 को वहाँ तैयार है कि इंस्टॉलमेंट बांध दीजिए, इंस्टॉलमेंट से हम लोग उन लोग का बिल वसूल करवा देंगे। उसके बाद भी बिना खबर के, अब बताइए किसानी का टाइम है, पानी पानी पीने के लिए नहीं है, कई दिन में नल जल बंद है। हम लोग 200 से 300 के संख्या में यहाँ आए हुए हैं। हम लोग लाइन चालू करवाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मनोहर कुमार उर्फ पुक्की सिंह। क्या कहा जा रहा है? बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी है सब भागे हैं और अपना मोबाइल बंद करके रखे हुए हैं, कोई नहीं है। किस तरह का समस्या से यहाँ लोग जूझ रहे हैं, कैथिर ग्राम के जो लोग हैं लगभग 200 से ऊपर की संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी बिजली की मांग करके लेकर। 10 तारीख के बताया जा रहा है, 10 तारीख रात में अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं, मांग को लेकर के यहाँ सब पहुँचे हुए हैं, क्या व्यवस्था के यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या इंक्वायरी? सूचना मिली है कि कैथिर गाँव के लोग बिजली ऑफिस का घेराव किए हुए हैं, से आए तो यहाँ पता चला कि इनका 3 दिनों से रात में बिजली काट, रात दिन सब दिन अभी कनेक्शन देवे, जैसा बताया जा रहा है। अभी बिजली विभाग के जो ऑफिस है वहाँ एक भी पदाधिकारी नहीं है, सब खोल के फंसे हुए हैं, क्या कारण है, क्या खामियां उनको है जो इन्होंने कई तरह की समस्याएं बताई हैं, तो अभी जेई को फोन किए हैं, एग्जीक्यूटिव साहब को भी फोन लगा रहे हैं, अपने पर ये पदाधिकारी को सूचना देते हैं, निश्चित तौर पे समाधान। 11:15 बज गया है, अभी तक कोई भी पदाधिकारी बिजली विभाग के ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं, क्या कारण है? आप इस बार के मैंने सूचना दे, लापरवाही है यहाँ की, बिजली पर कुछ हो जाता है, किसी के साथ घटना हो जाती है तो बिजली विभाग किस प्रकार देखेगा? हम तो ये तो दिक्कत है, लेकिन हम देखते हैं, बात कर समाधान कराते। देखिए 11 बजे बज चुके हैं, 11 से बेसी हो चुका है, लेकिन एक भी बिजली पदाधिकारी जितने भी हैं यहाँ जो ऑफिस में हैं अभी तक नहीं पहुँचे हैं, और असुरक्षा पूरे हिस्सावासी एक भी पदाधिकारी अभी ऑफिस में नहीं पहुँचे हैं। 11:15 से बेसी हो चुका है, लोग परेशान हैं, और खास करके कैथिर ग्राम के लोग परेशान हैं, जहाँ 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप कर दिया गया है। क्या दिक्कत है? कैथिर ग्राम में बिना सूचना के प्रशासन बिजली काट दिया है, बिजली विभाग
अपना तो काम करता नहीं है और पब्लिक को परेशान कर रहा है। मेरे गांव में बिना सूचना के बिजली आपूर्ति बाधित कर दिया, बंद कर दिया, और साथ में दिक्कत क्या हो गया है कि पानी का दिक्कत है। नल जल योजना सरकार के द्वारा जो संचालित है, पानी नहीं आ रहा है, पानी पीने के चलते लोग परेशान है, बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अंधेरा में रहने के लिए विवश है। गांव में दवा के चलते एक आदमी मर गए हैं कि दवा कहाँ है, अंधेरा में मिला नहीं, और पानी के चलते एक आदमी मर गए हैं। इसका जिम्मेवार पूरी तरह से बिजली विभाग होगी, इसलिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जल्दी से बिजली की आपूर्ति शुरू की जाए, वरना हम लोग किसी भी हद को पार करेंगे और आंदोलन करने के लिए लाचार हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। गांव कैथी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि पिछले दो दिनों से बिना कोई नोटिस के कैथिर गांव में लाइन काट दिया गया है, और दो तीन बार नाजायज एजेंट आकर के पैसा तहसील करके ले जाता है और उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। तीन चार बार तो ऐसा हुआ कि फाइन मार मार के ये लोग ले गया है, उसके बाद का ये काम है, जिसके कारण हम लोग रोड जाम भी करेंगे, जो भी हो सकता है आज करेंगे। बताइएगा, कैथिर पंचायत कैथिर में तीन दिन से लाइन कटा हुआ है, कहाँ लग काटा है पता नहीं, कहाँ लग बताए हैं, बिना बताए बिना सूचना के लाइन काट दिए। अच्छा, हम लोग को मीटर ठोक दिए हैं, कनेक्शन नहीं किए हैं, एक एक लाख के बिल आया है, कहाँ से कोई जगह। आप कैथिर के हैं? कैथिर का है। क्या नाम हुआ आपका? है क्या नाम हुआ? सुबोध बिहारी।